अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसी डिवाइस का रिव्यू करने जा रहे हैं जो अपने प्राइस टैग के हिसाब से एक कमाल की डिवाइस है और मार्केट में अभी तक इस प्राइस टैग में इस तरह की कोई दूसरी डिवाइस अवेलेबल नहीं है। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रियलमी 3 की, जो कि रिसेंटली पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च की गई है और इसके प्राइस टैग के हिसाब से आप इससे बहुत उम्दा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने डे टू डे यूजेज के लिए। तो पहले आपको इसके प्राइस बता देते हैं। ये डिवाइस दो वेरिएंट में लॉन्च की गई है, जिसमें एक वेरिएंट आपको 3GB रैम और 32GB की स्टोरेज के साथ मिलता है, जिसकी सेल प्राइस 21,999 रुपीज है, जबकि इसका दूसरा वेरिएंट आपको 4GB रैम और 64GB की स्टोरेज के साथ मिलता है, जिसकी सेल प्राइस 28,999 रुपीज रखी गई है। इन दोनों वेरिएंट्स में आपको मीडियाटेक हीलियो P60 मिलता है। इस डिवाइस की फ्लैश सेल 20th अप्रैल से दराज पे शुरू हो चुकी है। अब बात करते हैं इसके डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की। तो ये डिवाइस आपको प्लास्टिक बॉडी में मिलती है विद अ ग्रेडियंट फिनिश ऑन इट्स बैक। ये डिवाइस 3 डिफरेंट कलर्स में आपको मार्केट में मिल जाएगी, जिसमें ब्लैक, डायनेमिक ब्लैक और रेडियंट ब्लू कलर शामिल है। डिवाइस पर फिंगरप्रिंट स्मजेस बहुत ज़्यादा नुमाया होते हैं, तो उनसे बचने के लिए और अपने मोबाइल की प्रोटेक्शन के लिए बॉक्स में दिया गया सिलिकॉन केस ज़रूर इस्तेमाल करें। वैसे तो फ्रंट पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिल जाती है, बट साथ ही कंपनी की तरफ से इस पर प्रोटेक्टर भी लगा हुआ है। बैक पे आपको ड्यूल कैमरा सेटअप मिल जाता है, जिसमें मेन लेंस के अराउंड आपको येलो कलर का स्ट्रोक भी दिया गया है, विच इज नोटिसेबल। साथ ही आपको टॉप मिड सेक्शन में फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है। फ्रंट पे आपको वाटर ड्रॉप नॉच दी गई है, जिसमें 13 MP का सेल्फी शूटर प्लेस किया गया है। यहाँ आपको 3-in-1 सिम ट्रे मिल जाती है, जिसमें आप 2 नैनो सिम और 1 microSD कार्ड एक साथ लगा सकते हैं। Realme 3 में आपको 6.22 इंच का बड़ा डिस्प्ले मिल जाता है विद 720x1520 रेजोल्यूशन। वैसे तो स्क्रीन की कलर क्वालिटी और ब्राइटनेस काफी अच्छी है, इवन सनलाइट में भी अगर आप डिवाइस को यूज कर रहे हैं तो आपको एज सच कोई इशू नहीं आने वाला। इवन अगर आप कोई कॉन्टेंट देख रहे हो तो भी इट परफॉर्म्स वेल। बट हाँ, क्योंकि 720x1520 की रेजोल्यूशन है, तो कहीं कहीं टेक्स्ट वगैरह में आपको ब्लरीनेस वगैरह फील हो सकती है। बट इस प्राइस टैग में जो भी आपको मोबाइल्स मिल रहे हैं मार्केट में, वो सारे ही 720x1520 की रेजोल्यूशन के साथ आते हैं। बात करें Realme 3 की परफॉर्मेंस की, तो इसमें ओप्पो का नया कलर OS 6 आता है, जो कि आपको काफी डिफरेंट यूजर एक्सपीरियंस देता है। जहां आपको इसमें कलरफुल सा नोटिफिकेशन पैनल मिल जाता है, वहीं आपको एक स्मार्ट साइड बार भी मिल जाती है, जिसमें आप क्विक लॉन्च के लिए एप्स अपनी डेली यूजेज के हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसके साथ ही 3-finger स्क्रीन शॉट का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें आप अपनी 3 उंगलियों को स्वाइप डाउन करेंगे तो आपको बआसानी स्क्रीन शॉट मिल जाएगा, और स्वाइप अप करने से यू कैन स्प्लिट योर स्क्रीन फॉर मल्टीपल टास्क। और साथ में आपको इस तरह के बहुत से फीचर्स मिल जाएंगे कलर OS 6 में। Realme 3 में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस ID दोनों ही ऑप्शन मिल जाते हैं, विच परफॉर्म्स क्वाइट फास्ट एंड एक्यूरेट। जो वेरिएंट हम रिव्यू कर रहे हैं आज, ये 4GB रैम और 64GB की स्टोरेज वाला है। कुछ हैवी ग्राफिक्स गेम्स प्ले किए तो मीडियम सेटिंग के ऊपर बहुत अच्छा परफॉर्म करते नजर आए। बैटरी परफॉर्मेंस की बात करें तो Realme 3 में आपको 4230 mAh की बड़ी बिल्ट इन बैटरी मिल जाती है, जो कि आपको आराम से 1.5 से 2 दिन का बैटरी बैकअप टाइम प्रोवाइड करती है। हाँ, अगर इतनी बड़ी बैटरी के लिए ओप्पो अपनी हुक चार्जिंग की सपोर्ट भी Realme 3 में दे देता तो क्या ही बात थी, मगर फिर यही बोलेंगे कि ये एक बजट फोन है। अब सारी चीजें तो बजट फोन में नहीं दी जा सकती। सो नाउ टॉकिंग अबाउट इट्स कैमरा परफॉर्मेंस। कैमरे में यहाँ आपको सारे वो ऑप्शन मिल जाते हैं जो किसी भी फ्लैगशिप डिवाइस में देखने को मिलते हैं, बट हाँ, ऑब्वियसली दे डोंट परफॉर्म लाइक दोस फ्लैगशिप डिवाइसेस, बट दे आर एटलीस्ट देयर
एंड परफॉर्म्स डिसेंटली। यहाँ आपको पोर्ट्रेट मोड, नाइट स्केप, पैनोरामिक, एक्सपर्ट, स्लोमो और टाइम लैप्स सारे ही फीचर्स एक्सपीरियंस करने को मिल जाते हैं। जबकि अगर इस डिवाइस के रिजल्ट की बात करें तो फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरे डिसेंटली परफॉर्म करते हैं। अच्छी लाइटिंग सिचुएशन में आपको इमेजेस में डिसेंट डिटेल, शार्पनेस और कलर सेचुरेशन मिल जाती है, जबकि लो लाइट सिचुएशन में डिटेल्स थोड़ी सी मिसिंग नजर आती हैं। ये डिवाइस 1080 की रेजोल्यूशन में वीडियो शूट करती है, जिसमें डिटेल्स वगैरह तो काफी बेहतर हैं, बट इमेज स्टेबलाइजेशन मिसिंग है। सो ये था दोस्तों Realme 3 का डिटेल रिव्यू। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। फॉर मोर मोबाइल अपडेट्स एंड रिव्यूज स्टे कनेक्टेड टू hamariweb.com एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।